अभी आपकी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लेंगे, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपका पहला सवाल है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। पहला सवाल है आपका, आपको एचसीएफ ढूंढना है 135 और 225। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से नहीं कहा गया, यूक्लिड डिवीजन से कहा गया है। तो आपको पहले ए और बी दो नंबर है, उनमें से बड़ा आपको सिलेक्ट करना है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका नंबर 225, इसे हम ए ले लेंगे, छोटा नंबर हो जाएगा बी। यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई कब होता है, जब हम कोई भी डिवीजन करते तो उसका जनरल फॉर्म है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर की कंडीशन हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। ये डिवीजन एल्गोरिथम से हमें इसका जीसीडी या एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो वी कैन राइट 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही लेंगे, क्योंकि ट्वाइस तो 270 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 में से, तो कितना हो जाएगा, आप जनरली आपका बेसिक प्रोसेस है उससे फॉलो कर दीजिए। इस तरीके से जो आप डिवीजन करते हैं 135 फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो हो गया, 112। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 90। अब क्या हो जाएगा आपका, ये रिमाइंडर से हम इसके प्रीवियस जो डिविजन था उसको डिवाइड करेंगे। तो 135 = 90 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 92 का 180 होता है, तो हम सेकंड और कोई नंबर नहीं ले सकते। 91 = 90 प्लस 45 = 135। आप जनरली डिवीजन करके करते हैं वैसे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 90 = 90, 5 - 0 = 5, 13 = 4। तो वो मैंने डायरेक्टली वहां लिख दिया। अब क्या हो जाएगा आपका, 90 बार आ जाएगा। 92 को आपको किससे डिवाइड करना है, प्रीवियस रिमाइंडर से, जो कि है 45। तो ये परफेक्टली डिवाइड कर देगा, 45 * 90 रिमाइंडर 0। तो अब आपको मैंने कहा था कि जीसीडी या एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या हुआ, 45 लास्ट डिविजन या प्रीवियस रिमाइंडर आप बोल सकते हैं, नॉन जीरो रिमाइंडर। तो यू विल राइट जीसीडी ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। क्योंकि केवल जीसीडी लिखने से यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपने जीसीडी किन का ढूंढा है। तो जब आप ये स्पेसिफाई कर देंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेक करने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि आपने इन दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ढूंढा है, दैट इज 45। आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, 135 / 45 या 45 * 3 ले लो डायरेक्ट, क्योंकि 45 * 3 की टाइम्स लोगे आप तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। 45 × 3 = 5, 3 = 15, 4 * 3 = 12, 13। ठीक है, ये हमने देख लिया कि 45 वो बड़े में बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं 225 को भी ये करता है या नहीं। ये जस्ट चेकिंग पर्पस के लिए है, आपका आंसर यहीं तक सीमित है, बाकी ये सब आपको समझाने के लिए ही बताया जा रहा हूं। ओके, 225 को 45 से डिवाइड करना है अभी। 3 × 135 आया, 6 × कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 6 × 4 = 24 होता है, तो हम 5 × लेंगे। 6 × 4 = 24 डायरेक्ट मैंने इस तरीके से कहा, 5 × 5 = 25, 2 * 5 = 20 + 2 = 22। तो 5 × लोगे आप तो ये रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो ये ही बड़े में बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, और दैट इज योर एचसीएफ और यू कैन से जीसीडी। ये था आपका पहला सवाल आपके बुक का एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2, जिसमें हमें एचसीएफ से फाइंड करना है दो नंबर का, 196 और 3 = 220 का। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जैसे हम इस नंबर को 196 से डिवाइड करके जो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा तो क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 = 220 को 196 से डिवाइड करेंगे। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं आपका क्वेश्चन और इधर भी लिख सकते हैं। अब ये 196 है, यहाँ पे भी 3 अंक ले लेता हूँ, तो 190 का डबल 380 होता है, तो मैं इसका ट्वाइस नहीं ले सकता हूँ, तो क्या करूंगा, 1 × यहाँ ले लेता हूँ। चलिए 196, अब इसे माइनस करेंगे हम 382 में से, यहाँ पे 7 हो जाएगा,
वन कैरी ओवर हो गया, सिक्स बच जाएगा, यहाँ से टू हो जाएगा 17, 862, सेकंड वाला नंबर नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं इसे 200 देखूं और इसे 800, तो 4 टाइम्स होना चाहिए। मैं 3 टाइम्स क्यों नहीं ले रहा हूं आपको बता दिया, क्योंकि वो 600 होगा। मैं ट्राई करके देखता हूं कि 4 टाइम्स होता है या नहीं। तो 196 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 400, 360 और 24, 4, 8, 7, 8। तो आपने देखा कि मैं डायरेक्टली कैसे इसके नजदीक वाला अंक ले लेता हूँ। मैं राउंड फिगर कर देता हूँ इसे 200 और इसे 800, 200 4 टाइम्स इज 800, तो मैंने डायरेक्टली 4 टाइम्स लिख लिया, मुझे मिला 784। सबट्रैक्ट करेंगे आपका पाई यहाँ पे बैठेगा 12, 8 और 4 12 होता है, पाई में से 8 नहीं जा सकता, तो एक कैरी ओवर होंगे 78। अब आपका आखिरी नंबर 780 आएगा। अब ये 200 है, ये वापिस 800 है, 4 टाइम्स तो जा नहीं सकता क्योंकि 784 है। तो हम लोग क्या करना है, फास्ट इसका 3 टाइम्स ले लेंगे, तो 300, 270 और 18। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए 196 3 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, 300, 93 जा 270 और 63 जा 18, मैंने डायरेक्टली इसे माइक में ऐड करके फायर शुरू कर दिया। अब आपके ट्रिक्स से जो है मल्टीप्लीकेशन से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर लिया मैंने यहाँ पर, 10 माइनस 8 2 6 17, 9 और 8 17 होता है और 192। अब 192 196 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, डेसिमल में लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए था। अब हम क्या लिख सकते हैं, 196 मल्टीप्लाइड बाय 143 प्लस 192 इज इक्वल टू 38220। फिर मैंने आपको कहा था कि जो ये रिमाइंडर बचता है इससे हम किसको डिवाइड करेंगे, प्रीवियस डिविजन को, मतलब अभी हम डिवाइड करेंगे 196 को। और ये तो आसान है आपके लिए, ये हो गया जल्दी से डिवाइड, आपको मिल गया 196 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 192 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4, 192 बाहर आ जाएगा। इसे 4 से आपको डिवाइड करना है, 192 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4 फाइव 20 होता है, 4 4 जा 16 32, 4 8 जा 32, रिमाइंडर हो गया आपका 0। 4 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस 0। तो अभी हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकला वो है 4, जो लास्ट डिविजर जिससे कि मुझे रिमाइंडर 0 मिला, या लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। तो दिस विल बी योर जीसीडी। तो इतने बड़े अंक का और इतने छोटे अंक का जब हम जीसीडी निकाले तो कितना मिला, केवल 4। अगर फैक्टराइजेशन से करते तो आपको पहले उसके फैक्टर्स के लिए 5-10 मिनट लग जाते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 स्टेप्स में आपको मिल गया इसका जीसीडी। तो यू विल राइट जीसीडी ऑफ 38220। हम बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखते हैं आंसर के लिए और छोटा बाद में, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कहा जाता है इज इक्वल टू 4। सो द आंसर ऑफ दिस इज 4। 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इट इज द कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर विच विल डिवाइड बोथ ऑफ दिस टू नंबर्स परफेक्टली। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एचसीएफ ढूंढने को कहा गया यूक्लिड मेथड से ऑफ 867 एंड 255। तो आपको पता है बड़ा नंबर हमेशा हमारा ए बन जाता है, छोटा नंबर हमेशा हमारा बी बन जाता है। इन शॉर्ट हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। अब किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म से भी मैं आपको बता रहा हूँ और लिखना किस तरीके से वो भी आपको सामने सामने लिखना। 867 कैन बी रिटन एज 255 मल्टीप्लाइड बाय डैश प्लस डैश। अभी हम डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं 867 को, जब हम 255 पे डिवाइड करेंगे। तो अभी 4 टाइम्स लेंगे तो 250 का 4 टाइम्स 1000 होता है, तो मैं 3 टाइम्स लूंगा, 250 का डबल 500 का डबल 1000, मतलब 4 टाइम्स मैं नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं 3 टाइम्स लूंगा, 600, 750 और 15, ये हो जाएगा 755। मैं जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 750 प्लस 5 का 15 दैट इज 755। 0, 1, 0, 2। तो हमारे को रिमाइंडर
अब डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 102। ये डैश मैं यू ही लिख रहा हूँ, आपको ये डैश नहीं लिखना है, बट आपको ये हर बार ये बता रहा हूँ कि जो ये इक्वलिटी है वो स्टैंड करनी चाहिए। इन इसका 867 को राइट साइड पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इतना ऐड करोगे तो इतना ही आना चाहिए, वो आपका सेट हो जाएगा इस तरीके से। अब इस रिमाइंडर से हम प्रीवियस डिविजर को डिवाइड करेंगे, हमारा प्रीवियस डिविजर है 255। क्लियरली हम इसका डबल ले सकते हैं, 3 times तो 300 हो जाएगा, तो फिर ट्वाइस लूंगा 204। सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना बचेगा, 5 minus 4 1 50। बस रिमाइंडर से ज्यादा हमें आगे जाना नहीं है, तो अगेन वी कैन राइट दैट 255 कैन बी रिटन एज 102 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 51। अब क्या करेंगे, इससे बाहर ले लेंगे। इन शॉर्ट हम ये रिमाइंडर से प्रीवियस डिविजर को डिवाइड करेंगे 102। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका क्वाइज है, 50 का डबल 100, 1 का डबल 2 माइनस 102, रिमाइंडर हो गया 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। तो हमारा जीसीडी क्या निकल गया, जो लास्ट डिविजर है या नॉन जीरो रिमाइंडर जो बोल सकते हैं आप। तो यू विल राइट जीसीडी ऑफ 867 एंड 255 इज 51। होप आपको ये समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से ये लिखता हूँ, और आपको मैं डिवीजन वाले मेथड से भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मेथड आपको समझ में आना चाहिए दोनों तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल एक ट्रिक ही आपको आना चाहिए, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको दोनों मेथड सामने सामने क्लियर करवाता हूँ, होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है आपको शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो इसमें आपको क्या बताना है, क्या बोला गया है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब वो नंबर कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमें पता है कि उसकी डिविजिबिलिटी किस फॉर्म में होता है, ऑड इंटीजर हमें पता है 2q+1 के फॉर्म में होता है। चलिए पहले उन्होंने कहा है पॉजिटिव और ऑड इंटीजर, तो कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं। बट आपको उन्हें ये प्रूव करना है कि उनका जो फॉर्म होगा वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले तो कि किस तरीके से ये ऑड इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं, क्योंकि 6q+2, 6q+4 और ये सब अवॉइड किए गए। तो जनरली हम लोग जब 6 क्यू बोले जा रहे हैं बोलो तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को। तो जब हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, जब हम 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर पहला मिला मुझे 0, फिर 7 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे 1। तो यहाँ पर मुझे इवन मिला, यहाँ पर ऑड मिला रिमाइंडर, उसके बाद है आपका ये नंबर इवन है, ये नंबर ऑड है, रिमाइंडर 1 मिला। जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 6 × 6 = 2, ये नंबर कैसा है, रिमाइंडर इवन है तो नंबर भी इवन है। जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो गया, 6 × 6, रिमाइंडर कैसा मिला, ऑड, तो आपका नंबर भी था ऑड। इस तरीके से आप जब 6 से डिवाइड करोगे, 6 × 6, रिमाइंडर कितना मिला 4, ये इवन है तो आपका डिविजन वाला नंबर भी इवन है। 11 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, 6 × 6, 5 रिमाइंडर, और 12 को जब आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा वापस 0। तो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5, मतलब जब भी हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमारा कैसा रहता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी, और बी यहां पर क्या है हमारा 6, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, तो रिमाइंडर कैन बी इधर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो हमारा नंबर का फॉर्म कौन सा हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं हम लोग, बी हमारा 6 है तो 6q+0 हो सकता है, 6q+1 हो सकता है, 6q+2 हो सकता है, 6q
प्लस थ्री हो सकता है, सिक्स क्यू प्लस फोर हो सकता है और सिक्स क्यू प्लस फाइव हो सकता है, इतना ही नंबर फॉर्म हो सकता है। तो जब ये सिक्स क्यू प्लस जीरो है, मतलब ये सिक्स क्यू ही है, अगर मैं इसे रफ कर दूंगा तो एक ही बात है, फिर सिक्स क्यू, तो ये नंबर कैसा है, इवन है, टू से डिविजिबल है। ये नंबर भी कैसा है, इवन है, क्योंकि ये भी डिविजिबल है, आप देख सकते हैं दोनों को। ये नंबर कैसा है, ये भी इवन है, क्योंकि इसमें से टू कॉमन अगर हम निकाल देंगे तो थ्री क्यू प्लस टू, तो ये नंबर भी आपका टू से डिविजिबल है। तो ये तीनों नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हमें नहीं बोला गया है, हमें ढूंढना है ऑड नंबर के लिए। तो हमने देखा कि रिमाइंडर कोई भी बच रहा हो तो जब इवन इंटीजर्स हैं तो नंबर भी इवन होता है, और जब ऑड रिमाइंडर्स बच रहे हैं तो नंबर भी ऑड है। नाउ लेट्स राइट इट एज, अब हम देखेंगे इसे बेसिक आपका जो है फॉर्म में, जिससे हम प्रूव करते हैं। तो अभी हम आपको इसे लिखकर बताएंगे कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू सिक्स, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, सिक्स है। तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम से कैसे होता है, जनरल फॉर्म आपका ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू आपका जीरो से ज्यादा है, और रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो बट ऑलवेज लेस देन बी, और यहाँ पे बी कितना है आपका सिक्स, मतलब रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटीज होगी आपके लिए, तो रिमाइंडर कैन बी इधर जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव, इससे ज्यादा रिमाइंडर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आपका जनरल फॉर्म नंबर का कैसा हो जाएगा, ये हमारा कोई भी नंबर है उसको हम सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर रिमाइंडर हमारा जीरो होगा, यह रिमाइंडर हमारा वन होगा, यह हमारा रिमाइंडर टू होगा, यह हमारा रिमाइंडर थ्री होगा, यह हमारा रिमाइंडर फोर होगा, या रिमाइंडर हमारा फाइव होगा। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो ये नंबर सिक्स क्यू है, ये डिविजिबल बाय टू है, सिक्स क्यू प्लस टू है, मतलब इसको आप टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन लिख सकते हो, मतलब ये पूरा नंबर भी टू से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर आप इसे देखेंगे सिक्स क्यू प्लस फोर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री क्यू प्लस टू, मतलब ये भी इवन नंबर है। तो ये तीनों फॉर्म कैसे हैं, इवन नंबर्स के हैं, ये भी इवन मिला है, ये भी इवन मिला और ये भी इवन नंबर। सिंपली आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि सिक्स की टेबल में अगर आप जब कोई परफेक्टली डिविजिबल है सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर, तो इसमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। रिमाइंडर आपको टू कब मिलेगा, कि जब आप सिक्स प्लस टू एट नंबर को डिवाइड करेंगे या ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन को डिवाइड करेंगे, तब आपको रिमाइंडर टू मिलेगा। उसके बाद आपका कितना है फोर रिमाइंडर, फोर रिमाइंडर आपको कब मिलेगा, जब आप या तो उसे टेन को डिवाइड कर रहे हो सिक्स से, या आप इसे सिक्सटीन को डिवाइड कर रहे हो, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, फोर। बट ये सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं आपको, इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स का फॉर्म जब हम सिक्स से डिवाइड करते हैं तो कैसा होगा, इधर इट इज सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस टू या सिक्स क्यू प्लस फोर। बट हमें बताना क्या है, हमें बताना कि एनी और पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो हमारा कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर आप ले लीजिए, सिक्स का टेबल ले लेते हैं, उसमें अगर हम वन एड करेंगे तो वो नंबर कैसा हो जाता है, ऑड, ऑड हो रहा है, ये सारे नंबर्स आपके ऑड होते जा रहे हैं, अगर रिमाइंडर आपका वन आ रहा है तो। अगर रिमाइंडर्स को चेंज कर दिया जाए थ्री हो जाए तो नंबर्स कैसे दिखते हैं, हम देखते हैं सिक्स प्लस थ्री नाइन आपका ऑड नंबर है, ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन आपका ऑड नंबर है, एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी वन, ये सारे नंबर कैसे हो गए ऑड। एक और नंबर आपका रिमाइंडर बच सकता है फाइव, तो जब हम फाइव को इसमें एड करेंगे रिमाइंडर्स को तो कितना होगा नंबर, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन, एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ट्वेंटी वन। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर हमेशा आपके कैसे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो बाकी मैंने ये आपके लिए मिटा देता हूँ, हमारे लिए ऑड नंबर्स के लिए जो ढूंढना है उसी का हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये नंबर आपके इवन थे जो मैंने अभी मिटा दिए हैं। ऑड नंबर्स में आप देख सकते हैं सिक्स क्यू प्लस वन, तो सिक्स क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन, ये थ्री क्यू को अगर मैं कोई नंबर k ले लूं तो ये फॉर्म कैसा हो गया, टू के प्लस वन, यहाँ पे भी टू क्यू, इसको सिक्स क्यू प्लस टू प्लस वन लिख सकता हूँ,
ऐसा लिखने से कोई गलत नहीं हो जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, इनमें से टू कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर कितना बचेगा, थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन। तो इसको भी मैं k ले लेता हूँ, तो टू के वन प्लस वन, पहले k था अब यहाँ पे k1 ले लिया, क्योंकि पहले k मैंने किसको लिया था, थ्री क्यू, अब ये थ्री क्यू प्लस वन है तो यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, k1। सिमिलरली सिक्स क्यू प्लस फाइव में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिक्स क्यू प्लस फोर प्लस वन, तो इनमें भी टू कॉमन निकल जाएगा, थ्री क्यू प्लस टू प्लस वन। तो अब थ्री क्यू प्लस टू क्या ले सकता हूं मैं इसे, टू के टू प्लस वन। तो हमने देखा कि इनके तीनों के जो ऑड नंबर्स हैं उनका फॉर्म कैसा है, टू के प्लस वन या टू के वन प्लस वन या टू के टू प्लस वन। तो हमें पता है कोई भी ऑड इंटीजर का फॉर्म कैसा होता है, टू क्यू प्लस वन, और हमने सारा देख लिए नंबर्स सारे फॉर्म में ऑड नंबर्स का कैसा आ रहा है, टू क्यू प्लस वन। सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव। एक्सरसाइज 1.1 का आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो आपने देखा होगा परेड में जब प्रधानमंत्री जी होते हैं और वहां पे कई सैनिक लोग अपने परेड में चलते हैं, तो वो सब लोग ग्रुप में चलते हैं, और ऐसा नहीं कि किसी में नंबर्स ज्यादा हो गए सैनिक हो गए, किसी में कम हो गए, वो सारा का सारा अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल में वो लोग चलते रहते हैं, मार्च करते हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब एक ग्रुप में 616 लोग हैं और एक ग्रुप में कितने हैं, 32 लोग हैं, उन्हें इस तरीके से कॉलम्स में चलना है, मतलब 616 जो लोग हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के ग्रुप में चल रहे हैं, तो इनके पीछे जो ये 32 वाले हैं ये तो इतनी रो में आ जाएंगे, 8 8 में 8 4 का 32 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 8 8 की रोज इस तरीके से चलेंगे तो 4 रोज हो जाएंगी, इसमें 8 सैनिक, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो 32 सैनिक्स को हम लोग 8 8 के ट्रूप्स में डाल सकते हैं। तो क्या 616 को भी हमें 8 के ट्रूप में डालेंगे तो इक्वल हो जाएंगे या कम या ज्यादा होंगे, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डिवाइड करके देख लीजिए आप, अगर 616 8 से परफेक्ट डिविजिबल है, हमें क्या ढूंढना है, इसका मतलब जीसीडी ढूंढना है, मैक्सिमम बड़े में बड़ा नंबर जो दोनों को इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर दे, या रोज में उसमें कितने नंबर्स आएंगे सैनिकों के वो बता सके, तो हम लोग जीसीडी ढूंढ लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना रहेगा, जीसीडी ऑफ 616 ऑफ 32। तो इसमें आपका बड़ा नंबर हमेशा ए हो जाता है, छोटा नंबर आपका बी हो जाता है, सो वी कैन से जीसीडी ऑफ 616 एंड 32 इज 616 कैन बी रिटन एज 32 मल्टीप्लाइड बाय डैश प्लस डैश। ये 616 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 32 से डिवाइड करना है आपको, तो 30 ले लीजिए और इसे 600, मतलब 20 टाइम्स तो लेना पड़ेगा आपको, पहले 2 टाइम्स ले लीजिए, 1 टाइम लेना पड़ेगा आपको 32, 20 टाइम्स डायरेक्टली लेने से मतलब 640 हो जाएगा, इसके लिए 19 टाइम्स होगा या 18 टाइम्स, चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 9 बचेगा और यहाँ पे 296। 32 को और आगे डिवाइड करेंगे तो 32 की टेबल में नजदीक इसके नंबर 8 टाइम्स ले सकते हैं, 9 टाइम्स भी ले सकते हैं, 32 9 का कितना हो जाएगा, 270 और 18 दैट इज 288, तो 288 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 19 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 8, तो वी कैन से दैट 616 इज इक्वल टू 32 इनटू 19 प्लस 8। अब इस रिमाइंडर से हम लोगों को इससे डिवाइड करना 32 को, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली डिविजिबल है 8 से, रिमाइंडर मिल गया हमें 0, तो इन दोनों नंबर्स का मैक्सिमम नंबर्स क्या है जो डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 8, मतलब सैनिकों को 8 8 के ग्रुप में चल रहे हैं, तो ये 32 वाले तो 4 कॉलम्स में बन जाएंगे, 4 रोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 4 में 32 हो जाएंगे आपके, और 616 की कितनी है आपकी रोज आ जाएंगी, 7 8 56 कितना, मतलब इनकी 4 रोज बनेगी या 4 कॉलम्स बनेंगे,
और इनके कितने पले हैं 77 कॉलम्स, इनके पीछे इस तरीके से ये 77 कॉलम्स में चले हैं, और हर एक रो में कितना होगा आपका 8 सैनिक्स होंगे। तो इस तरीके से हमें पता पड़ता है कि अगर अलग अलग नंबर्स वाले ग्रुप होंगे तो भी हम उनको ग्रुप में इस तरीके से कॉलम्स में और इक्वल रोज में मार्च करवा सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डे के मार्चेस हैं रोज ऑफ 8 एंड कॉलम्स कैन बी। हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का वो स्क्वायर बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो उनका फॉर्म कैसा होगा, इधर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। वो ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो हमेशा आपको 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिखेगा। ट्राई कर लेते हैं, अगर मुझे ऐसे 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ। अगर फॉर्म कैसा हो गया 3m प्लस 1, 25 को कैसे लिख सकता हूँ 3 8 24 प्लस 1 मतलब वापिस 3m प्लस 1। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर अगर मैं ले लूँ 36, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 12 36 प्लस 0 मतलब 3m का फॉर्म हो गया ये। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर ले लूँ मैं तो 64 होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6 प्लस 1 63 प्लस 1 मतलब 3m प्लस 1 का फॉर्म हुआ। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लोगे वो हमेशा आपको 81 आया, तो 3 27 प्लस 0 मतलब कौन सा फॉर्म है 3m। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, हमने एक एग्जांपल लिया किसी भी नंबर का। अब इसमें आप बोलोगे सर आपने 1 का नहीं लिया या उसका नहीं लिया, तो हम 1 का स्क्वायर भी अगर करेंगे तो कितना होता है 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मतलब 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। आप बोलोगे सर आपने 3 का स्क्वायर नहीं लिया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 3 9 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो कौन सा फॉर्म मिला मुझे 3। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो 1 का हो 2 का हो 3 का हो 4 का हो, किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमने उसे प्रैक्टिकली रख करके देखा तो हमें दो ही फॉर्म मिल रहे हैं 3m या 3m प्लस 1 आप देख सकते हो वैसे। बट आप इसे प्रूव कैसे करेंगे वो अभी आपको बताता हूँ। आपको ये समझ में आ रहा है, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं सवाल आपको। तो अब हम लेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर, एंड बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि बी क्या है हम इससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो जब भी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, मतलब रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, या तो रिमाइंडर 0 होगा 1 होगा या 2 होगा। तो हमारा वो नंबर किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 3q के फॉर्म में होगा क्योंकि 3q प्लस 0 इज 3q, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। बट हमें ए नंबर नहीं देखना है, हमें इस नंबर का क्या बोला गया स्क्वायर देखना है। तो जब मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3q स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा m ले लेता हूँ मैं, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कौन सा फॉर्म मिला 3m। जब ए स्क्वायर में ए को क्या ले रहा हूँ 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगेगा आपका, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, आप ऐसे ही करते हैं ना ए प्लस बी होल स्क्वायर में, तो क्या मिला आपको 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो 3 का टेबल कॉमन निकल रहा है आपका, तो आप 3q कॉमन निकाल सकते हैं यहां पर, और अंदर कितना बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 1। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं कि 3m प्लस 1, जहां पे m मैंने क्या ले लिया अभी
क्यू मल्टीप्लाइड बाय 3q+2। समझ में आ रहा है ना आपको ये? तो हमने जब 3q लिया तो हमें 3m का फॉर्म मिला, 3q+1 लिया तो 3m+1 मिला, बट अभी हमारे पास एक और फॉर्म है 3q+2, उसे भी देख लेते हैं। तो जब हमारा a 3q+2 होगा तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 9q² + 3 2 6 12q+4, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 9q² + 12q+3+1, ऐसा तो लिख सकता हूँ 4 को। तो अब इन तीन नंबर में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर कितना बचेगा, 3q² + 4q+1+1। अब वापिस यहां पर क्या हो गया हमारा, ये 3 × m+1 का फॉर्म, जहां m हमारा क्या हो जाएगा, 3q² + 4q+1। तो हमने तीनों जो फॉर्म है उसके बेसिक फॉर्म नंबर के, जब वो डिविजिबल बाय 3 कर रहे हैं तो ये 3 फॉर्म में वो नंबर होगा। तो हमने तीनों केस में जब उसका स्क्वायर किया तो हमें क्या फॉर्म मिला, जब वो 3q के फॉर्म में तो वो 3m के फॉर्म में, बाकी दोनों जब इस फॉर्म में होगा वो नंबर तो कैसा आएगा, 3m+1। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, क्यू अगर हमारा 0 होगा तो पहला नंबर कितना होगा, 0, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 0, मतलब 3m के फॉर्म में। जब क्यू हमारा 1 हो जाएगा तो कितना होगा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, मतलब ये 3m के फॉर्म में दोनों नंबर। जब हमारा क्यू 2 होगा तो 3 × 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 36, 36 मतलब कौन से फॉर्म में हो जाएगा, 12 × 3m के फॉर्म में हो जाएगा। जब आपका यहां पे रखेंगे 0 तो 3 0 0 तो 1 में आ गया आपका 2, जब हम यहां पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और जब हम क्यू को वापस हम 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर हमने ले लिया, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो सकता था, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3q+1 यानी कि 3m+1 के फॉर्म में। तो हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हमें उसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमेशा या तो उसका फॉर्म कैसा मिलेगा, 3m या 3m+1। अब हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। तो क्या बोला गया अभी आपको, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, मतलब कोई भी अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 ले लेता हूँ तो 2 का क्यूब 8, 3 ले लेता हूँ उसका क्यूब कितना होगा, 27, 4 ले लूंगा उसका कितना हो जाएगा, 64, 5 ले लूंगा उसका क्यूब कितना हो जाएगा, 125। इस तरीके से वो बोले, बट इनके जो फॉर्म होंगे वो 9m, 9m+1 या 9m+8 होगा। ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, 9m+1, जहां पे m मैंने क्या लिया होगा, 0, क्योंकि 9 0 0 + 1 तो मेरे को 1 मिलेगा। जब मुझे 8 लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ, 9m+8 के फॉर्म में, यहाँ पे भी मैंने m क्या लिया, 0, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 9 × 9 ले लूंगा तो 17 हो जाएगा, हमें तो 8 बनाना था, तो 8 कब बनेगा, कि m = 0। 27 कैसा है आपका, 9m के फॉर्म में, यहाँ पे m कितना ले लिया मैंने, 3। 64 आपका किस तरीके से बन सकता है, 9 की टेबल में आप अगर आप देखोगे तो 9 8 = 72, 9 7 = 63, तो 9 7 = 63 + 1 = 64, यहाँ पे m मैंने क्या ले लिया, 7। इसी तरीके से 125 आप कैसे ले सकते हैं, इसे किस फॉर्म में आएगा, 9m+1 में आएगा या 9m+8 में आएगा, वो हमें देखना है। तो जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 बचेगा आपका 35, और 9 × 4 = 36 होता है, तो 13 की टेबल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो 90 + 27 कितना हो जाएगा आपका, 117, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8। तो हम यहाँ पे m क्या ले सकते हैं, 40। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कर, अभी आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, चाहे वो कोई भी नंबर था, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आप ले लो, उसका अगर आप क्यूब करते हो तो हमने देखा वो तीन ही फॉर्म में दिखता है, 9m, 9m+1 और 9m+8। बट इसे हम ऐसे तो सोल्व नहीं कर सकते जैसे मैंने लिख के बता दिया आपको, वो तो जस्ट प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, बट आपको उसे प्रूव करना है। हम लोग क्या करेंगे, वही जो हमारा पहला स्टेप होता है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर,
वे बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और वी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यूब ले रहे हैं हम, तो हमारा वी हो जाएगा 3 एंड वी इज इक्वल टू 3। तो हमारे रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे, अभी तो आपको याद हो गया रिमाइंडर कैन बी 0, 1 और 2। तो हमारा नंबर किस फॉर्म में हो जाएगा, जो हम बेसिक फॉर्म लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे हमारा r कितना है 0, 1 और 2 और b कितना है 3। तो वो नंबर किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 3q के फॉर्म में, 3q प्लस 1 के फॉर्म में, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में, इतना ही फॉर्म हो सकता है। अब हमें प्रूव क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो हमारा a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो अब हमें उसका क्या करना है, a का क्यूब। तो हमारे पास a के कितने केसेस हो सकते हैं, 3 केस हैं, या तो a 3q के फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में। तो पहले हम लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 3q, दैट इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, मतलब 27q³। अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3q³, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो अब यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 9m का फॉर्म है, जहां पे m क्या हो गया मेरा 3q³। तो जब a 3q है, तो वो फॉर्म कौन सा दिखा था हमें, 9m के फॉर्म में। अब हम लेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, हमारा सेकंड केस, ये केस 1 था, ये केस 2। जब हमने a को क्या लिया है, 3q प्लस 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब कौन सा फॉर्म हो गया आपका, a प्लस b का होल क्यूब। और a प्लस b का होल क्यूब जब आप ओपन करेंगे तो कितना होता है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, प्लस 3ab² ऐसा होता है आपका, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म आपको लगाना है यहाँ पर। a आपका क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, और b क्या है, ये आपका a, ये आपका b। तो a प्लस बी को जब आप ओपन करते हो तो क्या मिलता है आपको, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये आपका जनरल फॉर्मूला है, वो कुछ नया नहीं है, बस हमने उसकी प्लेसमेंट कर दी। a क्यूब मतलब 3q का क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, सॉरी क्यूब करना है, फिर 3a² b प्लस 3ab² सेम आप फॉर्म से मैच कर लीजिएगा, तो उसी हिसाब से लिखा है आपका। इसका क्यूब करोगे तो दिखता है 27q³ प्लस 1 प्लस 9q² हो जाएगा, तो 27q² हो गया, प्लस 3 3 9q हो जाएगा आपका। जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे पावर्स के, 27q³ 27q² प्लस 9q प्लस 1, तो इन तीनों में से आप देख रहे हो कि 9q कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो 9q कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 3q² प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। तो अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 हो गया, जहां पे m मैंने क्या ले लिया, ये पूरी वैल्यू को ले लिया, वेयर m इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 3q² प्लस 3q प्लस 1। तो हमने देखा कि जब a 3q प्लस 1 है, तो हमारा फॉर्म कौन सा आएगा, 9m प्लस 1। अब हम लेंगे आपके सवाल का केस 3, जहां पे a हमारा क्या रह गया था, 3q प्लस 2। तो a अगर हमारा 3q प्लस 2 है, तो a का क्यूब कितना हो जाएगा, तो इससे हमारा वही फॉर्म आ जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब, जहां हमारा अभी a 3q हो जाएगा, b हमारा 2 हो जाएगा। तो उसे हमने किस तरीके से लिखा था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²
आपका फॉर्म है जनरल ए प्लस बी वो होल क्यूब वाला, तो इसे आप ओपन करेंगे तो कितना आएगा 97 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 9 27 टू 54 क्यूब स्क्वायर आएगा आपका, प्लस 3 3 9 4 36 क्यूब। अब हम इसे वापस असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे पावर्स के, 27 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब आप देखेंगे कि ये सारे नंबर तीनों नंबर 9 से डिविजिबल हैं, तो हम इसे केवल 9 ही कॉमन निकालते हैं क्योंकि बाकी तो m रहेगा आपका इनवर्स। 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 6 54 प्लस 9 4 36 प्लस 8। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका 9m प्लस 8, जहां m हमारा क्या हो गया 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो तीनों केसेस में हमने देखा तो हमें क्या मिला कि अगर कोई भी नंबर आपका है a और अगर आप उसका क्यूब करते हो तो उसका फॉर्म कैसा मिलता है, हमेशा क्यूब करने के बाद इधर इट इज 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2।